यूपी की चुनावी जंग में बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग का सवाल फिर उछला है। अमरोहा में बीजेपी के उम्मीदवार कंवर सिंह तवन ने बुरके की आड़ में फर्जी मतदान का आरोप लगाया। बीजेपी की तरफ से पहले दौर में भी ऐसे सवाल उठ चुके हैं। बुरके पर चुनावी बवाल की नई किश्त सामने आ गई है। बीजेपी को बुरके की आड़ में फर्जीवाड़े की आशंका इस कदर सताई कि एक बार फिर बुरके के खिलाफ सवाल उठने लगे। जरा सुनिए अमरोहा से बीजेपी उम्मीदवार कंवर सिंह तवर का ये ताजा आरोप। उन भाइयों को सोचना चाहिए जो ऐसी वोटिंग कर रहे हैं, फर्जी वोटिंग कर रहे हैं और बुरका पहन के कर रहे हैं, तो उनकी चेक होने चाहिए। आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा पकड़ा गया है किसी को बुरका में, पुरुष को, क्या उसकी कोई तस्वीर आपके पास, कोई उसकी जानकारी, उसका नाम में, पता थाने में बैठा रहा? कौन से थाने में? नौगावा थाने में। कंवर सिंह तवर 2019 की जंग में बुरके पर आरोप जड़ने वाले दूसरे नेता हैं। पहले चरण में मुजफ्फरनगर से बीजेपी के उम्मीदवार संजीव बालियान ऐसे ही आरोप उछाल चुके हैं। अगर बुरके में कोई आता है तो चार बार आए, पांच बार आए, आप चेहरा चेक कैसे करें? चेहरा चेक करने का वोट कैसे डालवा सकते हैं? महिला कांस्टेबल बिल्कुल नहीं थी। 25 बूथ 26 बूथ है गांव में, सुजडू गांव में, एक भी महिला कांस्टेबल की ड्यूटी नहीं। महिला कांस्टेबल किस काम के लिए है अगर वहां नहीं लगाएंगे? अगर महिलाओं की इतनी लंबी लाइन है, अंदर कुछ पोलिंग पार्टी में महिला ही नहीं थी, तो पुरुष चेक करेंगे? इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि चेहरे के बिना आप वोट डालने दें। लेकिन बीजेपी के बुरके पर उठाए सवाल का विपक्ष ने भी राजनीतिक जवाब दिया। सुनिए बीएसपी उम्मीदवार कुंवर दानिश अली क्या कह रहे हैं। ये तो बीजेपी वालों की चाल जो है इस बार नहीं चलने वाली। किसी को बुरखा पहना के पहुंचा दो या किसी को जो है कुछ और पहना के पहुंचा दो, ये चाल पोलराइजेशन नहीं होने वाला। बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग के आरोप को चुनाव आयोग पहले ही खारिज कर चुका है। ये साफ हो चुका है कि बुरका पहनी महिला वोटरों की बकायदा पहचान सुनिश्चित की जाती है, तभी वोटिंग होती है। लेकिन रह रहकर ये आरोप लगते हैं क्योंकि